डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एडवांटेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जो एनेलिड्स हैं उनकी बॉडी मेटामर्स पर कंसिस्ट करती है, यानी सेगमेंट्स पर कंसिस्ट करती है, और सेगमेंटल अरेंजमेंट ऑफ बॉडी को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो आज हमने देखना है कि उस मेटामेरिक बॉडी फॉर्म जो है उसके एडवांटेजेस कौन से हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर अपना टॉपिक मेंशन करते हैं, एडवांटेजेस ऑफ मेटामॉरिज्म। तो स्टूडेंट्स, हमने देखना है कि ये मेटामॉरिज्म होती क्या है। ये हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था कि जो सेगमेंटल अरेंजमेंट ऑफ बॉडी होती है उसे हम मेटामेरिक बॉडी कहते हैं। तो हम लिख देते हैं सेगमेंटल अरेंजमेंट ऑफ अ बॉडी, उसे हम क्या कहते हैं, मेटामेरिक बॉडी कहते हैं। तो अब हमने देखना है कि ये इसके फवायद क्या होते हैं। तो बच्चे, अगर हम कहें कि सेगमेंटल अरेंजमेंट ऑफ बॉडी होती कैसे है, तो यहाँ पर ये देखिए, मैं एक सेगमेंट्स बना रहा हूँ और ये किसी वर्म लाइक एनिमल के हैं, जिनमें हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये कोई अर्थवर्म है। तो इसकी बॉडी यहाँ पर देखें, ये सेगमेंट्स पर कंसिस्ट करती है। अब इन सेगमेंट्स के फवायद क्या होते हैं, अब इन फवायद को समझने के लिए यहाँ पर मैं किसी एक सेगमेंट को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। और अगर हम इस सेगमेंट की बात करें तो इसके अंदर ये सारी स्पेस मौजूद है, और इस स्पेस को हम कहते हैं सिलोमिक स्पेस। अब अगर हम बात करें, ये सिलोमिक स्पेस है, अच्छा, तो यहाँ पर ये जो फ्लूइड मौजूद है इसे हम सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं, सिलोमिक फ्लूइड। अब अगर हमें दोनों की बात करें, सिलोमिक स्पेस और सिलोमिक फ्लूइड की, तो ये एक्चुअली हाइड्रोस्टेटिक कंपार्टमेंट बना देते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि दोनों ये बना देंगे हाइड्रोस्टेटिक कंपार्टमेंट। अब ये जो हाइड्रोस्टेटिक कंपार्टमेंट है, ये कौन कौन से फंक्शन करवाएगा, ये एक्चुअली दो मेन फंक्शन करवाएगा। वो कौन कौन से होंगे, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ हाइड्रोस्टेटिक कंपार्टमेंट इज एफिशिएंट लोकोमोशन, ये लोकोमोशन करवाएगा। इसका जो दूसरा मेन फंक्शन होगा, ये एक्चुअली बॉडी को सपोर्ट देगा। तो हम क्या कह सकते हैं, सपोर्टिव रोल प्रोवाइड करेगा। उसके बाद बच्चे, अगर हम बात करें इन सेगमेंट्स में, तो हर एक सेगमेंट के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं मोस्ट ऑफ द सेगमेंट्स के अंदर। तो ये कैसे स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होती हैं, कैसे ये अलग होती हैं, अगर इनमें डिफरेंट होती हैं या सेपरेट होती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ईच सेगमेंट इज़ कंट्रोल्ड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ऑल अदर सेगमेंट्स। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास सेगमेंट्स हैं, ईच सेगमेंट इज कंट्रोल्ड इंडिपेंडेंटली। अब ये कैसे इंडिपेंडेंटली अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, गौर करना है कि इसके अंदर बचे एंटागोनिस्टिक मसल्स होते हैं। अब अगर हम बात करें कि इसमें एंटागोनिस्टिक मसल कैसे होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, वो कैसे फंक्शन करते हैं, तो आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अंदर एंटागोनिस्टिक मसल्स में हम सबसे पहले सर्कुलर मसल्स की बात कर लेते हैं, जो कि सर्कल में मौजूद हैं। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, सर्कुलर मसल्स। अब ये जो सर्कुलर मसल्स हैं, इनके साथ एंटागोनिस्टिक पेयर के तौर पर कुछ इस तरीके से मसल्स होते हैं इनकी बॉडी में, और इन मसल को हम लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कहते हैं। ये कौन से हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। अब होता क्या है कि एक्चुअली दरमियान में यहाँ पर तो सिलोमिक फ्लूइड मौजूद है, और बाहर से ये सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स मौजूद हैं। तो इट मीन कि इन मसल्स ने कंट्रैक्ट करना है या रिलैक्स करना है,
तो अगेंस्ट दिस फ्लूइड विच इज़ नोन एज सिलोमिक फ्लूइड, इस सिलोमिक फ्लूइड के अगेंस्ट ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे। वन थिंग डैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड यू इज डैट ऑलवेज वाटर इज नॉन कंप्रेसिबल, हम वाटर को कंप्रेस नहीं कर सकते। इट मीन कि अगर हमारे पास एक लीटर वाटर की स्पेस है तो हम उसको कंप्रेस करके हाफ लीटर वाटर की स्पेस में पूरा नहीं कर सकते। तो इट मीन वी हैव टू प्रोवाइड द ओरिजिनल स्पेस टू अ फ्लूइड। तो हमें इस वाटर को जो फ्लूइड है ये कंप्रेस नहीं होगा तो इसी के अगेंस्ट ये मसल कंट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे। तो डेफिनेटली इन मसल के कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन अगेंस्ट दिस फ्लूइड होगी तो ये फ्लूइड एक्ट करेगा एज अ हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। तो हम कह सकते हैं कि दिस फ्लूइड इज एक्टिंग एज हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। अब ये जो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन है ये एक्चुअली सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है और इन मसल की मदद से यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होगा, लोकोमोशन भी होगी, इसकी की मदद से क्रॉलिंग का प्रोसेस भी होगा, क्रॉलिंग मीन रेंगना, और इसी के साथ स्विमिंग भी ये करेंगे। तो ये एक्चुअली हमने फर्स्ट एडवांटेज पढ़ा है मेटाबॉलिज्म का। अब हम इसका सेकंड एडवांटेज पढ़ते हैं कि हाउ मेटाबॉलिज्म इज इम्पोर्टेंट। तो स्टूडेंट्स ये सेकंड एडवांटेज की तरफ हम मूव करते हैं। अगर हम सेकंड एडवांटेज की बात करें कि ये मेटामेरिक जो बॉडी है ये एक्चुअली कैसे एडवांटेज प्रोवाइड करती है, फवायद प्रोवाइड करती है, तो मेटामेरिक बॉडी एक्चुअली है क्या, अभी मैंने बताया अरेंजमेंट ऑफ बॉडी इनटू सेगमेंट्स या सेगमेंटल अरेंजमेंट ऑफ द बॉडी इज नोन एज मेटामेरिक बॉडी। अब होता ऐसे है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि यहाँ पर इंजरी का प्रोसेस हो जाए तो एक्चुअली जो इम्पैक्ट ऑफ इंजरी होता है वो मोस्ट ऑफ केसेस में एनिमल को डाई कर देता है, किल कर देता है, यानी कि इंजरी की वजह से एनिमल जो है वो किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि या तो इंजरी पूरे के पूरे होल लेंथ ऑफ एनिमल पे हो, और अगर ऐसा नहीं होता तो इस मेटामेरिक बॉडी में इंजरी का जो इम्पैक्ट है वो बहुत कम होता है। तो हम लिख सकते हैं कि मेटामेरिक बॉडी लेसन्स द इम्पैक्ट ऑफ इंजरी को मेटामेरिक बॉडी कम कर देती है। वो कैसे कम कर देती है, गौर करना है आप लोगों ने कि यहाँ पर ये हमारे पास मेटामेरिक बॉडी है और ये इसके सेगमेंट्स हैं, डेफिनेटली हर सेगमेंट के दरमियान सेप्टा मौजूद होता है, ये हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। मैं कंसीडर करता हूँ कि यहाँ पर कोई इंजरी हुई है और ये वाला जो सेगमेंट है ये ब्रेक हो गया है, किल हो गया, तो डेफिनेटली ये वाला जो बॉडी पोर्शन है, ये वाला बॉडी पोर्शन इस सेप्टा की मदद से इसको सेपरेट कर देगा और ये वाला बॉडी पोर्शन इस सेप्टा की मदद से इसको सेपरेट कर देगा। तो क्या होगा कि यहाँ पर ये सर्वाइव कर जाएगा और इधर से ये सर्वाइव कर जाएगा। तो इट मीन कि जो मेटामेरिक बॉडी है वो एक्चुअली सर्वाइवल रेट को बढ़ा देता है और इम्पैक्ट ऑफ इंजरी को कम कर देता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मेटामेरिक बॉडी इंक्रीज द सर्वाइवल रेट एंड डिक्रीज द डेथ रेट ऑफ सेगमेंटली अरेंज्ड एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स हमने दो इसके एडवांटेजेस पढ़ लिए हैं, अब हम इसका तीसरा एडवांटेज पढ़ते हैं मेटामेरिक बॉडी का। तो तीसरा एडवांटेज कौन सा है, गौर करिएगा स्टूडेंट्स। अब बात यह है कि अगर हम कहें कि ये हमारे पास कोई एनिमल है और लास्ट टाइम हमने जस्ट इसको ये कहा था जब हमने
प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था तो हमने टैगमाटाइजेशन को जस्ट डिफाइन किया था। हमने कहा था कि स्पेशलाइजेशन ऑफ द बॉडी सेगमेंट्स फॉर डिफरेंट फंक्शन इज़ नोन एज टैगमाटाइजेशन। तो यहाँ पर मैं कंसीडर करता हूँ कि ये एक ऐसा पोर्शन है, एक टैगमा है जो कि हेड रीजन में है और ये स्पेशलाइज्ड है सेंसेशन के लिए, स्पेशलाइज्ड है वीएन के लिए, स्पेशलाइज्ड है केमिकल सेंसेशन के लिए, स्पेशलाइज्ड है टच के लिए। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ स्पेशलाइज्ड बॉडी सेगमेंट। उसके बाद मैं कंसीडर कर देता हूँ कि यहाँ पर इसका ये वाला सेगमेंट है और ये स्पेशलाइज्ड है रिप्रोडक्शन के लिए, तो हम कहेंगे कि ये भी एक स्पेसिफिक टैगमा है। तो स्पेशलाइजेशन ऑफ द बॉडी सेगमेंट, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टैगमाटाइजेशन। तो क्या है? स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन ऑफ बॉडी सेगमेंट्स नोन एज टैगमाटाइजेशन, कॉल्ड टैगमाटाइजेशन। उम्मीद है कि आपको टैगमाटाइजेशन की समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये टैगमाटाइजेशन वो प्रोसेस है जो इन एनिलीड को रिलेट करता है आर्थ्रोपोड के साथ, क्योंकि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है ये उनका भी करैक्टर है कि टैगमाटाइजेशन इज प्रेजेंट इन द आर्थ्रोपोड एज वेल एज एनिलीड्स। तो हम कह सकते हैं कि दिस करैक्टर इज रिलेटेड टू और रिजेंबल टू अनदर फाइलम डेट इज नोन एज आर्थ्रोपोडा। तो अब हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये वो पॉइंट्स होंगे जो फाइलम आर्थ्रोपोडा और फाइलम एनिलिडा के अंदर कॉमन पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, गौर करिएगा, वो कौन कौन से हैं? पहली चीज़ कि इनके अंदर एनिलिड्स, यानी कि यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ कॉमन पॉइंट्स, कॉमन पॉइंट्स ऑफ एनिलिडा, एनिलिडा, एनिलीड्स एंड आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स। तो यहां पर कौन कौन से पॉइंट्स हैं, गौर करिएगा बच्चे। फर्स्ट पॉइंट इज टैगमाटाइजेशन, टैगमाटाइजेशन। उसके बाद दूसरा इसके अंदर कौन सा है कि ये जो हमारे पास एनिलीड्स हैं ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं और आर्थ्रोपोड भी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अच्छा, उसके बाद ये तो वो हैं कि हमने कहा कि टैगमाटाइजेशन भी है, उसके बाद ये ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, यानी कि आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर भी कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होगा और जो एनिलीड्स हैं उनके अंदर भी कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है। उसके बाद है बच्चे बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो इन दोनों में पाई जाती है, यानी कि एनिलीड्स में भी और उसके साथ साथ फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर भी। अब यहाँ पर हम टैगमाटाइजेशन को तो हमने एक्सप्लेन कर लिया, यहाँ पर एक वर्ड है ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसको देखना है कि स्टूडेंट्स जब जर्म लेयर्स बनती हैं तो, यानी कि जब क्लीवेज का प्रोसेस होता है तो कुछ लेयर्स बनती हैं और उन लेयर्स को हम जर्म लेयर्स कहते हैं। एक्चुअली ये वो जर्म लेयर्स होती हैं जिनसे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स बनते हैं। तो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके अंदर दो जर्म लेयर्स बनती हैं तो उनको हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर तीन बनती हैं उनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो इनके अंदर, यानी कि आर्थ्रोपोड्स भी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं और एनिलीड्स भी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, तो ये तीन जर्म लेयर्स हैं। इनमें जो बाहर वाली है उसे हम कहते हैं एक्टोडर्म, उसके बाद ये दरमियान वाली को हम कहते हैं मीजोडर्म, और ये अंदर वाली को हम कहते हैं एंडोडर्म। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज़ थी, कुछ क्लोज रिलेशनशिप्स थे एनिलीड के जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के साथ मिलते हैं। तो ये हमने इनको लास्ट में डिस्कस किया।